व्हाट्सअप सो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्री वर्कआउट मील के बारे में। जैसे कि हम अपने पोस्ट वर्कआउट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, बट प्री वर्कआउट बहुत बार हम मिस कर देते हैं। सो ये प्री वर्कआउट मील एक साइंटिफिक बेस्ड प्री वर्कआउट मील है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, इट्स अ साइंटिफिक बेस्ड प्री वर्कआउट मील। ओके, एक रिसर्च पेपर जारी हुआ था इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। तो उनके हिसाब से ये कहना था कि अगर अपना प्री वर्कआउट मील में कार्ब ऐड करते हो तो वो कार्ब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स शुड बी इक्वल्स फर्स्ट टू मोर देन 70। सो ओट्स मेरे लिए पास फिलहाल ओट्स है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज इक्वल्स टू मोर देन 70। एप्पल है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज लो, लाइक 55 के ऊपर है। एंड आई हैव बेक प्रोटीन एज वेल। तो ये सब मिला के मैं प्री वर्कआउट बनाऊंगा। और वो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का ये भी कहना था कि अगर आपका रिकवरी टाइम इज लेस देन 4 आवर, मतलब आपकी अगर आपकी नींद 4 घंटे से कम हुई है, तो आपका जो कार्बोहाइड्रेट का इंटेक है वो थोड़ा एग्रेसिव होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 4 घंटे से कम सोए हो और मेरा वेट 70 kg है, तो 1.2 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट इंटू माई बॉडी वेट, दैट इज 70। सो 1.2 × 70 इज इक्वल्स टू वो आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक होना चाहिए आपके प्री वर्कआउट मील में। और अगर आपका लाइफ से बहुत नॉर्मल है, आप नींद प्रॉपर ले रहे हो, 7 घंटे की नींद आपकी कम से कम है, सो योर कार्बोहाइड्रेट शुड बी 0.8 ग्राम्स इंटू योर बॉडी वेट। सो 70 किलो का मैं हूँ समझो, और 0.8 इज इक्वल्स टू 56 और 58 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेरे प्री वर्कआउट मील में होना चाहिए। एंड सेम गोज फॉर प्रोटीन। प्रोटीन के लिए यू शुड हैव 0.2 टू 0.4 का एक ब्रैकेट है। अगर आप 0.2 टू 0.4 ग्राम ऑफ प्रोटीन इनटू बॉडी वेट खाते हो, सो आपके प्री वर्कआउट में वो बेस्ट रहेगा। एंड अलॉन्ग विद दैट यू कैन हैव योर कैफीन एज वेल, मतलब अपनी कॉफी ले सकते हो, अपना प्री वर्कआउट जो शेक होता है वो भी आप ले सकते हो। सो मैं सजेस्ट करता हूँ कि हैव अ मील लाइक प्री वर्कआउट मील इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दैट सप्लीमेंट्स एंड ऑल। सप्लीमेंट्स एंड ऑल कम्स अ लेटर एज, बाद में आता है, पहले इंपॉर्टेंट है आपका मील। बिकॉज विदाउट मील यू वोंट बी एबल टू परफॉर्म गुड, यू वोंट बी एबल टू गेट द गुड रिजल्ट्स। फूड इज द मेन सोर्स ऑफ योर एनर्जी। ओके, सो कार्बोहाइड्रेट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी एज वी नो। सो वी आर ट्राइंग टू एड कार्बोहाइड्रेट्स इन द पोस्ट प्री वर्कआउट मील। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। ओके, सो फॉर कैलकुलेशन पर्पस मैंने अमेजोन का, मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम कि मैं अमेजोन का वेइंग स्केल यूज करता हूँ, सो आई एम यूजिंग दैट। सो आई विल पुट 45 ग्राम ऑफ ओट्स। सो मेजर करेंगे इसको यहाँ से। सो दिस इज 43, 44 and 45। ओके, सो 45 ग्राम ऑफ ओट्स इज डन। नेक्स्ट I'll add some apple, मतलब फ्रूट मुझे पसंद है और मेरे वर्कआउट से मैं 1 घंटे पहले ये मील खत्म कर लेता हूँ। सो फिर I'll add some apple। अब apple का वेट कितना है देखते हैं। सो we'll go and check that out। सो apple is around 130 ग्राम ऑफ एप्पल। ओके, सो चॉप्ड एप्पल 130 ग्राम। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आता है वो आपका आता है वे प्रोटीन। अब वे प्रोटीन मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ बिकॉज आई एम अ वेजिटेरियन, आई कैन नॉट हैव समथिंग इन द मॉर्निंग जो डाइजेस्ट होने में जो फास्ट डाइजेस्टिंग हो। If you are non-vegetarian, you can make eggs, you can make recipes with egg and you can eat that and you can go, you can eat chicken and all. But morning mein egg or chicken bahut log kha nahi pate hain. So what I suggest ki have your oats, have your whey protein and have some fruit. Ek koi to fruit add kar do apne pre-workout meal mein to make it bomb. So let's add the whey protein now. So currently I am using this whey protein from this company, Big Muscle Nutrition. सो एक स्कूप इस वे प्रोटीन का आई एम एडिंग, और इसके साथ में आई विल एडिंग सम अमाउंट ऑफ मिल्क बिकॉज मिल्क मेरी कैलोरी में फिट होती है। और ऐसा कहा जाता है कि आप, मैंने पढ़ा भी ऐसा कि अगर आप मिल्क ऐड करते हो तो आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो भी है फूड का वो थोड़ा हिंडर करता है। बट इस केस में इतना नहीं होगा, क्योंकि जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हिंडर करता है वो बहुत ही मिनिमम होता है। यू कैन एक्सेप्ट दैट थिंग और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो लेट्स ऐड द मिल्क नाउ। So I am adding milk around 80 grams. Yep. So मैंने 80 ml milk use किया है और इसमें मैं थोड़ा सा पानी भी डालूंगा ताकि वो थोड़ा shake अच्छे से बन पाए और ये oats वाले इसमें अच्छे से जाए। ठीक है, so I'll add now water in this whey protein वाला shake। तो वाटर में कोई mounting नहीं है बिकॉज वाटर में कोई कैलोरीज नहीं होती, तो यू कैन पुट वाटर एज मच यू वॉन्ट। बट मैं ज़्यादा ही इसको पतला नहीं बनाना चाहता, आई वॉन्ट इट थिक। तो मैंने पानी थोड़ा ही डाला लाइक अराउंड 20 to 30 ml। नाउ विल शेक इट, इसका काम खत्म हो गया। आई विल शेक इट एंड ये इसमें डालेगा पूरा। ओके, सो नाउ पुटिंग दिस, ये इसमें डाल के यू कैन
कीप इनसाइड अ फ्रिज रेफ्रिजरेटर में। अपना ओट्स पहले बॉइल कर लो, फिर उसके बाद में अपना एप्पल काट के उसमें डाल दो, और उसके बाद में ये वे प्रोटीन वाला जो शेक मैंने बनाया है वो आप डाल सकते हो। ओके सो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ ताकि ये कच्चा ना लगे मुझे, मतलब बॉइल करके खाना मुझे पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों, मतलब मेरी पर्सनल चॉइस है। यू कैन बॉइल इट एज वेल, या फिर आप इसका शेक बना सकते हो, आप इसको ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड करके यू कैन जस्ट ड्रिंक एंड गो। मुझे खाना ज़्यादा पसंद है, चबाना ज़्यादा पसंद है इसमें, तो फिर आई विल पुट दैट। और ये अभी जाएगा रेफ्रिजरेटर के अंदर ठंडा होने के लिए, बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव इट लिटिल आइसक्रीमिश फ्लेवर, थोड़ा आइसक्रीम में सर टेस्ट आ जाए मुझे खाने का, तो मैं खुश हो जाता हूँ उसके लिए। सो मैंने उसको रेफ्रिजरेटर में डाल दिया और थोड़ा फास्ट कर दिया रेफ्रिजरेटर ताकि जल्दी जल्दी हो जाए रेडी वो। सो इट विल हार्डली टेक 5 to 10 minutes एंड आफ्टर दैट यू कैन एंजॉय योर मील एंड यू कैन गो फॉर योर वर्कआउट एज वेल एंड यू कैन हैव योर कैफीन एज वेल। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन उन्होंने कहा यू कैन हैव 3 milligrams to 8 milligrams ऑफ कैफीन और कॉफी इन योर प्री वर्कआउट एंड यू गो फॉर द वर्कआउट। सो यू कैन एंजॉय दिस मील अलॉन्ग विद योर कॉफी, मतलब ये खा लो और कॉफी पी लो और यू कैन गो फॉर द वर्कआउट। That's boom, the thing to do. Okay, so now let's talk about the research papers के बारे में बात कर रहा हूँ। तो उस research paper के हिसाब से अगर आपका recovery time कम रहेगा तो आपको अपना carbohydrate pre-workout में थोड़ा बढ़ा के रखना है ताकि आप better recovery के साथ workout कर सको, और glycogen जो आपका deplete होता है उसके बाद में आपका protein use हो सके आपको recovery में। So just keep in mind, keep a good amount of protein, like good amount of protein and good amount of carbohydrates in your pre-workout meal, so that आपका workout अच्छे से perform हो, आप जल्दी बीच में थको ना, आप वर्कआउट गिव अप ना करो और रिकवरी में ज्यादा हेल्प हो जाए, ठीक है। सो ये रिसर्च पेपर का जो मैंने टॉपिक उठाया था, इट इज फॉर द वर्कआउट विच इज लेस देन और विच इज लेस देन और इक्वल्स टू 60 मिनट्स। अगर आप 60 मिनट तक वर्कआउट करते हो तो आप ये प्री वर्कआउट मील फॉलो कर सकते हो। अगर आपका वर्कआउट इंटेंसिटी थोड़ा और बढ़ता है, लाइक मोर देन 70 मिनट्स, और आपकी इंटेंसिटी बहुत ही ज्यादा हाई है, सो यू कैन मेक सम चेंजेस इन योर प्री वर्कआउट मील एज वेल, मतलब थोड़ा कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन और बढ़ा के यू कैन परफॉर्म दैट थिंग। ओके सो अभी अपना प्री वर्कआउट रेडी हो गया। मैं आपको एक बेस्ट सजेशन देना चाहूंगा, अगर आप मेरी तरह हो जो मॉर्निंग में वर्कआउट जाते हैं, लाइक 6 or 7 AM इन द मॉर्निंग एंड यू गेट अप 5 o'clock, देन हैव दिस प्री वर्कआउट, लाइक रात को बना के उसको फ्रिज में रख दो, फिर उठ के अपना खा के वर्कआउट जा सकते हो एंड लेट्स सी कैसा हुआ। सो आई केप्ट इट फॉर ओनली फॉर 10 मिनट्स एंड नाउ दिस लुक्स लाइक दिस। सो देखने में बहुत टेस्टी लग रहा है एक्चुअली। सो नाउ आई हैव इट एंड आई विल शेयर द टेस्ट की टेस्ट कैसा है इसका। After it's good, you can have something good, थोड़ा ice cream type flavor में आ जाएगा आपको, कुछ खा सकते हो morning में। I prefer this one. Or better. So for such awesome recipes, you can check out the website www.captainfit.in and you get the recipe. You get many recipes are there. बहुत सारे मैंने upload किया वहाँ पे. You can get my online coaching as well. So as always, this is Saurabh and team signing off.